बच्चों आप सब अच्छे से हैं। आई होप आप अच्छे होंगे बेटा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कक्षा 8 हिंदी माध्यम आपका गणित, ओके। आज हमने अभ्यास एक्सरसाइज आपका 9.2। तो 9.2 में बच्चों कुछ आपके प्रश्नोत्तर टाइप की हैं, परिभाषाएं हैं, किसके ऊपर है वो आपके समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब है, इस प्रकार से आए तो उसके ऊपर भी है, तो इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अब मैंने प्रश्न क्रमांक 1 लिया है आपका 9.2 से, उसमें प्रश्न क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 में उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं या समलंब चतुर्भुज क्या है। और आपका जो समलंब चतुर्भुज है वो कब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, किस कंडीशन में। अगला प्रश्न है उसका समानांतर चतुर्भुज क्या है या किसे कहते हैं, और समानांतर चतुर्भुज की गुण, ये आपके इस तरह से प्रश्न है बेटा इसमें 9.2 में। तो ये हम इसको थोड़ा सा समझेंगे और आपको मैं PDF के माध्यम से सभी को लिख करके और भेजूंगा, तो आप उसे नोट करें। पहले आप थोड़ा सा समझ लें इसको, है ना। पहले समझेंगे हम समलंब चतुर्भुज क्या है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, एक चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा होता है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कब कहते हैं समलंब चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा होता है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर BC, AB समांतर BC, है ना। AB समांतर BC का मतलब AB और जो आपकी भुजा है वो समानांतर होगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। अब इसके बाद में यदि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो, जो असमांतर भुजाएं होती है, मान लीजिए ये भुजाएं दी गई है, चतुर्भुज दिया है, इसमें अगर भुजाएं असमांतर हो यानी उनका अंतर जो है समान नहीं हो, अलग अलग हो, इस प्रकार से होगा। और दूसरा असमांतर भुजाएं तो हों लेकिन कैसी हो, बराबर हो जाए, असमांतर भुजाएं बराबर हो जाए। बराबर का मतलब क्या, ABBC जैसे भुजाएं हैं वो आपकी कैसी हो जाए, बराबर, ये अगर मान लीजिए बराबर हो जाए तो आपका क्या कहलाएगा, वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, ओके। इसी प्रकार से फिर अगला प्रश्न क्या है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं स्टूडेंट बच्चों, इसमें कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर, एक चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो, बराबर हो, उन्हें हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ओके। अब समांतर चतुर्भुज ABCD ये मान लीजिए जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर क्या हो, DC, AB समांतर DC, AB बाय BC बराबर, ये हो, क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए समद्विबाहु समलंब, ये होगा समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB और समांतर DC बाय AD समांतर BC तथा AB बराबर DC और AD बराबर BC, इस तरह की भुजाएं, ओके। अब इसके थोड़े से गुण भी दिए हैं, जैसे मान लीजिए गुण क्या होता है, एक विशेषता होती है उसकी, है ना, विशेषता क्या होती है, समांतर चतुर्भुज प्रत्येक विकर्ण तो सर्वांग सम, यानी सर्वांग सम का मतलब त्रिभुजों में विभाजित होता है, जो दो भुज मान लीजिए त्रिभुज बन गए और उनकी सभी जो भुजाएं आपस में जैसे कोण है वो बराबर होंगे और उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी और विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, है ना, इसकी एक कंडीशन बनेगी। जैसे प्रत्येक विकर्ण, इसे विकर्ण का मतलब समझ गए, विकर्ण क्या होता है, ACBD कोई चक्र आपका चतुर्भुज है तो उसमें विकर्ण क्या होंगे, AB और BC। लेकिन एक और एक चीज और है इसमें, और भी है जैसे समचतुर्भुज भी है, ये तो हमने समलंब का पढ़ा, समांतर का पढ़ा, अब समचतुर्भुज का क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए समचतुर्भुज है और उसके विकर्ण है, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ ACBD, यदि मान लीजिए विकर्ण बराबर हो जाए तो फिर आपका आयत में परिवर्तित हो जाता है, वो फिर आपका चतुर्भुज नहीं हुआ, है ना, वो आयत में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह से इनको सॉल्व करना है, एक तरह से इमारती है। तो इनके भी आपको जैसे गुण है, चतुर्भुजों के गुण हैं, सभी के गुण हैं, आयत के भी गुण होते हैं, तो ये सब में आपको वर्ग भी होता है, कई प्रकार के हम
चतुर्भुज हैं, जैसे आयत भी है, वर्ग भी है, इनकी सबकी हम पढ़ेंगे, इनके बारे में विशेषता, इनके गुण के बारे में। तो ये जो जितने भी आपके घटक प्रश्नोत्तर हैं 9.2 में आपके गणित में, तो मैं सभी को आप लिख करके उन्हें और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको भेजूंगा, तो आप उसे नोट करें, पढ़ें अच्छे से और समझें। ओके, और कल फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नए प्रश्न, कोई आप इस पर 9.2 में बेटा ये प्रश्नोत्तर टाइप के तो हैं, पर इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना है, वो चतुर्भुज के ऊपर है, आयत के ऊपर भी हैं, चतुर्भुज के ऊपर भी हैं, वर्ग के ऊपर भी, तो स्थिति के अनुसार हम इनको हल करेंगे। ठीक है, चतुर्भुज के ऊपर करेंगे, आपको जैसे कोण दिए हैं, मान लीजिए 3 कोण दिए हैं या 1 कोण दिया है, इस प्रकार से उनको हम हल करेंगे। तो कल आपसे फिर मैं न्यू टॉपिक पर चर्चा कर लूँगा, तब तक के लिए बेटा आप वर्क करें, होमवर्क करते रहें, और पर डे मैंने बताया था मैथ्स का, आप घर पर रिवीजन करें और इस प्रकार से उसको हल करते रहें। तो फिर कल फिर मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।